हेलो साथियों आज का हमारा टॉपिक है नेहरू युगीन राष्ट्रीय राजनीति इसमें हम समझेंगे कि नेहरू की राष्ट्रीय राजनीति क्या थी स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू युगीन राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न समस्याओं से ग्रसित व प्रभावित रही यानी नेहरू की जो युगीन राष्ट्रीय नीति थी वो समस्याओं से ग्रसित थी प्रभावित थी जिसमें सबसे प्रधान समस्या थी भारत पाकिस्तान विभाजन यानी तभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तथा पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याएं तो पाकिस्तान के विभाजन से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जैसे कि हिंदू मुस्लिम की समस्या जैसे कि जो वस्तुएं थी उनके बंटवारे की समस्या पैसे के बंटवारे की समस्या और भी सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी इस प्राथमिक मूल समस्या के साथ स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिकोष संगठित तो व सुव्यवस्थित करने के साथ साथ उसे व्यावहारिक दिशा की ओर ले जाने का प्रयास भी किया भारत पाकिस्तान विभाजन तथा विभाजन से उत्पन्न समस्याएं एवं उनका समाधान पहला है कि भारत पाकिस्तान विभाजन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थीं उनका समाधान खोजना भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में तात्कालिक स्तर पर ठीक है विभाजन हुआ भारत में जो तात्कालिक स्तर पर क्या तात्कालिक स्तर पर अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुई जिनमें से निम्न प्रमुख हैं जैसे कि सांप्रदायिक दंगों की समस्या शरणार्थी समस्या कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए लेकिन कुछ लोग फिर से भारत आना चाहते थे भारत व पाकिस्तान के बीच संसाधनों का बंटवारा भारत व पाकिस्तान के बीच नदी जल का बंटवारा ये तो आज भी बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है तो सांप्रदायिक दंगों के समस्या एवं समाधान चलिए देखते हैं आ, ये चलो हम कल देख लेंगे ठीक है तो आज आप इतना ही देखना कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सरकार के सामने क्या क्या समस्याएं थीं और कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर निकल के आईं और फिर उनका समाधान कैसे किया ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो कल देखना ना भूलें साढ़े छः बजे नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद